हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने इस सीरीज के बाकी के पास नहीं देखे तो मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वीडियो की तरफ चलते हैं। एपिसोड 3 की स्टार्ट होती है जहाँ पे हमें सूजी दिखाते हैं और कुछ देर पहले का दिखाते हैं सीन जो कि लास्ट एपिसोड में हुआ था। सूजी कह रही होती है कि पीच अभी तक वापस क्यों नहीं आया और तुम उसे वापस क्यों नहीं अपने साथ लेके आई। होश उसे सॉरी बोलती है। सूजी कहती है मेरी और कितनी बार तुम्हें समझाना होगा। हाँ, और फिर हमें दिखाते हैं होश पीच का सारा सामान पैक करी होती है जिसे विहा और वेयू भी देखते हैं और वो कहीं पे जाते हैं। उसके बाद हमें पीच का दिखाते हैं जो कि भाग के गया था हाउस के लिए और हमें जू दिखाते हैं जो कि बैठा होता है और उसे विहा कॉल करता है और बताता है कि पीच बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है और जू हैरान हो जाता है। उसके बाद हमें वही सीन दिखाते हैं जहाँ पे सूजी कहती है मेरे घर से निकल जाओ और वो काफ़ी सैड होकर खड़ा होता है। उसे कहता है कि मिस सूजी, मेरा ये करने का कोई मकसद नहीं था, मैं तो बस रिहर्सल कर रहा था। सूजी कहती है कि वो तो कब की ख़त्म हो चुकी थी। वो उसे कहता है बहाना मारते हुए कि ट्रैफिक बहुत था। सूजी कहती है तुम क्या समझते हो, मैं पागल हूँ, मैं स्टूपिड हूँ, मुझे समझ नहीं आता। हाँ, और मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दिया था और मुझे कोई और एक्सक्यूज नहीं चाहिए। तब इधर से जू आता है, कहता है क्या हुआ मिस सूजी, आपने पीच का सारा सामान दाही क्यों फेंक दिया है। सूजी कहती है कि मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था अगर कोई और मुसीबत हुई तो तुम लोगों को अंजाम उसका भुगतना पड़ेगा। तभी पीच कहता है लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया। सूजी कहती है कि तुम्हें हाउस के रूल्स नहीं पता, तुमने इतनी बार रूल्स तोड़े हुए हैं। और उसे याद दिलाती है जहाँ पे वो रात को दी से मिलने गया था जो कि कर्फ्यू का टाइम था और एडिशन देने गया था बिना बताए। और उसे कहती है कि पहले ही मैंने इतनी बार तुम्हें माफ कर दिया है और उसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं। और वो सैड खड़े होते हैं जहाँ पे जू अपने घुटनों पे आ जाता है और कहता है सिर्फ एक चांस हो दे दीजिए प्लीज़, पीच को घर से मत निकालिए। और कहता है कि मैं अपने वर्ड्स देता हूँ कि आइंदा से पीच ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा और मैं इसका खुद ख्याल रखूँगा और प्लीज़ पीच को बाहर मत निकालिए। और जू को देखते हुए पीच भी अपने घुटनों पे आ जाता है और कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा मिस सूजी। तभी विहा भी आता है उसकी साइड लेते हुए, कहता है मिस सूजी प्लीज़ उसे बाहर मत निकालिए। वेयू भी अपने घुटनों पे आ जाता है और प्लीज़ बोलने लग जाता है, जिसे देख कर सूजी पिघल जाती है और कहती है सिर्फ लास्ट टाइम, अगर कुछ हुआ तो तुम सब इसके रिस्पॉन्सिबल होगे। और वहां से चली जाती है। पीच सबको गले लगा लेता है, फिर सबको थैंक यू बोलता है। उसके बाद पीच और जू दोनों बैठे होते हैं और जू पूछता है कि तुम असल में गए कहाँ पे थे। तो उसे बताता है कि मैं गन की एरिया आर्ट्स वर्कशॉप में गया था। और उसे कहता है तुम वहां पे क्यों गए थे, हाँ बताओ। पीच बताता है कि कैसे वो वहां पे पहुंचा था और कैसे उसने रिहर्सल की थी। तो उसे कहता है तुम वहां से जल्दी नहीं निकल सकते थे। पर पीच कहता है पर रिहर्सल काफी देर तक चली थी और मुझे टाइम का पता भी नहीं चला क्योंकि मैं गन की तरह देख रहा था जो कि काफी कूल लग रहा था। और हमें पीच का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाते हैं जब गन अपनी प्रैक्टिस कर रहा था और वो कहता है कि इतने अच्छे तरीके से वो प्रैक्टिस कर रहा था और हर चीज वो परफेक्टली कर रहा था और बहुत ही औसम था। जो कहता है नहीं, मेरे ख्याल से तुमने बहुत अच्छा किया होगा। और फिर वो कहता है अगर बात करें तो तुम हर काम में अच्छे करते हो, परफॉर्मेंस बहुत अच्छे करते हो और टाइम के मैनेजमेंट में तो तुम बहुत ही अच्छे हो और मुझे लगता है तुम्हारी पर्सनैलिटी ज़्यादा बेहतर है। और उसे कहता है गन की तरह नहीं जो 24 घंटे अपना मुंह लटकाए फिरता है। और फिर वो कहता है अगर तुम उसकी तरह होते ना तो मुझे तुम्हारे साथ अनकम्फर्टेबल फील होता। तो पीच कहता है हाँ तुमने सही कहा, अगर मैं गन की तरह होता तो मैं अपनी वर्किंग लाइफ में और डेली लाइफ में भी अच्छा होता और कोई इश्यू क्रिएट ना होते और मैं सबके लिए प्राउड बन जाता और तुम्हें भी प्राउड फील होता मुझ पर। जो हैरान होते हुए इसकी तरफ देखते हुए कहता है क्या कहा तुमने। वो खड़ा होता है, कहता है जो मैंने डिसाइड कर लिया है, अब मैं गन को ऑब्जर्व करूंगा कि वो कैसे लाइफ गुजारता है और उसकी तरफ बन के दिखाऊंगा। और वहां से ऐसे बोलते हुए जा रहा होता है। जू उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकता और वहां से चला जाता है। जू काफी सैड होकर बैठ जाता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वो डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं और जब इधर से वी हाउ वे आते हैं और कहते हैं कि तुम लोग तो सी फूड खा रहे हो है ना, क्या मस्त पार्टी है तुम लोगों की। और वो कहता है कि मैं टॉम यम भी लेके आया हूँ। तभी पीच कहता है हम सब शेयर करते हैं ना फूड, ये जू अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से लेके आया है और सारी डिशेस बहुत ही टेस्टी हैं, तुम लोग ट्राई करना चाहोगे। और वो उसे कहता है ठीक है मैं टॉम यम प्रिपेयर करके आता हूँ। जहाँ पे भी आप बैठते हुए कहता है जू तुम तो बहुत ही पीच को अच्छे से जानते हो। जू कहता है शायद इसलिए क्योंकि हम काफी टाइम से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं इसी वजह से और जानते भी हैं।
पीच कहता है हाँ इसने सही कहा, इससे मुझे याद आया, और रिया को थैंक यू बोलता है कल के बारे में जो उसने उसके लिए किया था। उसे कहता है कोई बात नहीं, हम एक ही घर में रहते हैं और फैमिली की तरह है और हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। रियो आता है खाना लेके और वो खाना खाते हैं। इनका डिलीशियस डिशेज फूड देख के मुझे भी भूख लग गई। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि बैठा होता है गन के रूम के बाहर, जहाँ पे ती आता है उसे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो कहता है मैं गन का वेट कर रहा हूँ। वो पूछता है गन का वेट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो उसका वेट, किस लिए उसे ढूंढ रहे हो तुम। वो बताता है कि मैं गन की तरह बनना चाहता हूँ, काम में भी और डेली लाइफ में भी, इसलिए मैं उसे ढूंढ रहा था और मैं जानना चाहता हूँ कि वो हर दिन कैसे रहता है। ती कहता है चलो ठीक है गुड लक। उसके बाद वो कहता है लेकिन मुझे गन को सेट पे लेके जाना है तो मुझे जाने दो। तब ये खड़ा होता है उसके करीब आते हुए कहता है आज गन सेट पे जा रहा है क्या, और उसके और करीब आता है और आगे से कहता है हाँ क्यों क्या हुआ। उसकी तरफ स्माइल करते हुए कहता है कि थोड़ी देर मेरे लिए रुकना, और वहां से भाग जाता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो गन की गाड़ी के आगे खड़ा हो जाता है और कहता है कि मुझे भी तुम लोगों के साथ जाना है, और वो आने के लिए हाँ बोल देता है। उसके बाद हमें पिविन दिखाते हैं जो कि लाइव आया होता है और कहता है काफी टाइम हो गया ना आप लोगों के सामने लाइव आए, और फिर वो कहता है कि मैं घर पे नहीं हूँ, मैं दी हाउस ऑफ स्टार्स में आया हुआ हूँ, और वो सब कहते हैं कि हमें टूर करवाओ। तभी वो कौन को देखता है और कहता है कि हमें टूर गाइड भी मिल गया, और उसको हेलो बोलने को कहता है अपने फैंस को। कौन आता है और काफी ब्राइटली स्माइल करते हुए सबको हेलो बोलता है और उसे कहता है कि मेरे फैंस ये घर देखना चाहते हैं, क्या तुम उन्हें दिखाओगे। तो कौन कहता है ठीक है। उसके बाद वो कहता है चलो हम स्टार्ट करते हैं फिर टूर, लेकिन हम कहाँ से स्टार्ट करें। तभी कौन कहता है तुम्हारे फैंस को डिसाइड करने दो। वो कहता है कोई भी जगह चल जाएगी। तो पिविन कहता है यहाँ की हर चीज बहुत अच्छी है और इंटरेस्टिंग भी है और देखने में भी अच्छी है, तो हम पता नहीं कहाँ से स्टार्ट करते हैं, चलो कहीं से तो स्टार्ट करते हैं। वो ऐसे ब्राइटली स्माइल कर रहे होते हैं दोनों, तभी उनकी स्माइल को उड़ाने के लिए मिंत्रा पीछे से आ जाती है और कहती है कौन को, कौन रिपोर्टर्स आए हैं इंटरव्यू लेना है हमारा, चलो आओ इधर। और वो उनकी फैंस को सॉरी बोलता है और कहता है मुझे जाना होगा, नेक्स्ट टाइम हम ऐसा कर लेंगे, और वहां से चला जाता है। पिविन सैड होते हुए कहता है ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन कोई बात नहीं मैं आप लोगों को हाउस दिखा देता हूँ। उसके बाद वो जाता है मिंत्रा के पास और कहता है इंटरव्यू कहाँ पे हो रहा है। वो कहती है मैं तो मजाक कर रही थी। और कौन लड़ते हुए कहता है तुम्हारा मसला क्या है। वो कहती है बस मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम उसके साथ घूम रहे होते हो। तो वो कहता है कि वो तो सिर्फ एक लाइव स्ट्रीम थी और कुछ भी नहीं था। वो उसे कहती है कि मुझे नहीं पता, बस मुझे अच्छा नहीं लगता। मिंत्रा कहती है कि हर वक्त मेरे अगेंस्ट रहता है और ऐसा लगता है कि वो तुम्हें चाहता है। तो कौन कहता है तुम हमें किसी वजह के बगैर बात क्यों कर रही हो। तो कहती है क्या कहा तुमने, मैं किसी वजह के बगैर बात कर रही हूँ, ठीक है मैं किसी वजह के बगैर बात कर रही हूँ, लेकिन मैं जेलस होती हूँ जब तुम दोनों इकट्ठे होते हो, और खुश हो गया तुम ये सुनकर। तो उसे कहता है तुम जेलस क्यों होती हो, और ये कहकर वहां से जाने लगता है। पर मिंत्रा पीछे से कहती है तुम टॉपिक को अवॉइड क्यों कर रहे हो। पर कौन कहता है कि मैं टॉपिक को अवॉइड नहीं कर रहा, और मैं किसी चीज को अवॉइड नहीं कर रहा, बस मैं सिंपली यही चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे ना रहूं, और वहां से चला जाता है। और काफी गुस्सा करती है मिंत्रा, और ये सब कोच पेविन सुन रहा होता है, स्माइल करता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो सेट पे गए होते हैं, जहाँ पे गन अंदर चला जाता है ड्रेस चेंज करने के लिए, और ती पीच को कहता है कि तुम मेरे साथ आओ। पर वो आगे से कहता है कोई नहीं मैं अपने लिए यहाँ पे जगह ढूंढ लूंगा देखने की। उसे कहता है तुमने मिस सूजी को बताया क्या। उसे कहता है हंसते हुए कि मैंने नहीं बताया। और उसे कहता है ती के पीच तुम हर बार मेरे लिए ट्रबल क्रिएट करते हो, लेकिन इस बार प्लीज मत करना। उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो मैं उसे बता दूंगा। हाँ ठीक कहता है तुम्हारी बातें सुनते मुझे और टेंशन हो रही है तुम्हें पता है। तभी जैसे वायु आता है और उसे हेलो बोलता है। वो पीछे को देखे कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो उसे बताता है कि मैं यहाँ पे गन के साथ आया हूँ और मैं उसके बारे में काफी चीजें जानना चाहता हूँ, उसके काम के बारे में जानना चाहता हूँ। और उसे बताता है कि कैसे मैं उसके पीछे गया था जब वो वर्कआउट करने गया था, जहाँ पे भी हा गन को कहता है कि आज तुम जल्दी आ गए गन। तो गन कहता है तुम भी जल्दी आए हो क्या। उसके बाद वो पीच को नोटिस करता है और कहता है तुम भी जल्दी आए हो वर्कआउट करने के लिए क्या। तो पीच कहता है हाँ मैं बस कभी कभी जल्दी आ जाता हूँ। और वो वर्कआउट करने के लिए जा रहा होता है, कहता है गन मेरा आइडल है, और उसकी तरफ ही देख रहा होता है जब वो वर्कआउट कर रहा होता है, और सोचता है कि अच्छा तो गन वर्कआउट जॉगिंग से स्टार्ट करता है, और कहता है स्पीड इतनी ज्यादा नहीं है मैं इसे कर सकता हूँ। जब वो उतर जाता है तो कहता है इसे यूज कैसे करना है,
और वो भागना स्टार्ट करता है और कहता है प्लीज मुझे कोई बचाओ। तभी विग्या आके उसे बचाता है। वो कहता है ये इतनी तेज स्पीड क्यों रखता है, ओलंपिक में हिस्सा लेना है क्या इसने? और वेयो कहता है अच्छा ये बात है। उसके बाद पी कहता है वेयो ने बहुत अच्छा काम किया है आज। और कहता है आज तो तुम सुबह से काम कर रहे हो ना, हाँ तुम कैसा फील कर रहे हो, टायर्ड तो नहीं हो गए? तो वेयो कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। और कहता है कुछ ही सीन रह गए हैं बस अब। तभी डायरेक्टर आता है और कहता है कि तुम्हें थोड़ा जल्दी आना चाहिए था ती, आज वेयो ने बहुत ही अच्छे सीन किया और काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है उसने। और ती कहता है कोई बात नहीं, जब शो आएगा ना तो तुम मैं उसमें देख लूंगा। तभी वो पीच को नोटिस करता है और कहता है ये कौन है? और ती उसे बताता है कि ये पीच है, हमारी कंपनी का एक और एक्टर। पीच कहता है कि यहाँ पर मैं ती का असिस्टेंट बन के आया हूँ और मैं आप जैसे प्रोफेशनल लोगों से कुछ सीखना चाहता हूँ। और वेयो और ती एक दूसरे की तरफ हैरान होकर देखते हैं कि थोड़ी देर पहले तो ये कुछ और ही बोल रहा था। और वो उसे कहता है तुम यहाँ पर नई चीजें सीखने आए हो, मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है जो कि हार्ड वर्किंग हो और डिटरमाइंड हो। और फिर उसे कहता है अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। और पीच कहता है ठीक है। डायरेक्टर कहता है मुझे जाना होगा, वहां से चला जाता है और वो स्माइल कर रहा है। उसके बाद हमें गन और वेयो का सीन दिखाते हैं जहाँ गन वेयो को मार होता है और कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, हाँ बताओ। और ये सीन पीच भी देख रहता है। जैसे वो बाहर आता है पीच उसे ड्रिंक देता है और कहता है आज तुमने बहुत ही अच्छी जॉब की। और वो उसे ड्रिंक लेते हुए कहता है कि तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हें वॉच किया जा रहा है। और वो हंसता है और कोई जवाब नहीं देता। उसके बाद वो उसी की तरफ ही देखे जा रहा होता है, गन उसकी तरफ देखता है तो वो आगे से सीरियस होकर खड़ा हो जाता है। उसके बाद हमें डायरेक्टर दिखाते हैं जो कि सीन समझा रहा होता है। जैसे सुजी आती है और उसे देखते हुए वो कहता है आप मैं आप लोग यहाँ पे कैसे, मैंने सोचा ही नहीं था आप लोग आएंगे। तो सुजी कहती है मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा आप लोगों को हेलो बोल दूं और देख लूं कि मेरे बच्चे कैसा काम कर रहे हैं। मुझे बहुत ही खुशी हुई कि आप यहाँ पे आई हैं और आपको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपके इतने ब्रिलियंट एक्टर गन और वेयो मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो उसे कहती है तो ठीक है मैं देखती हूँ वो क्या कर रहे हैं। वो अंदर जाती है जहाँ पे पीच दूसरी साइड पर मुंह कर लेता है सुजी को देखकर और गन उसे हेलो बोलता है। तभी पीच भी उसे हेलो बोलता है और मिस सुजी हैरान होती है, कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, अब तो ये गया काम से। पार्ट वन में यहीं पे खत्म कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।